ठीक है, आप लोग आराम से कहीं भी जहां आपको जगह मिले बाहर आप बैठ जाइए। जैसे ही आपकी एंट्री होगी लगभग एक बजे एंट्री की जाएगी, सभी लोगों को अंदर लिया जाएगा। जो बच्चे अंदर आ जाएंगे उनको एक टोकन दिया जाएगा। अगर पानी ग्राउंड में ज्यादा हुआ और आपकी दौड़ नहीं हुई तो वो टोकन आपको देके आपको अगली डेट बता दी जाएगी किस तारीख को आपको दौड़ने आना है। जो बच्चा चला जाएगा टोकन नहीं मिलेगा, वो अगली डेट पे नहीं आ पाएगा, उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कृपया ग्राउंड में घुटनों घुटनों पानी है, अगर आपको अभी हम अंदर एंट्री करा भी देंगे तो आप ना पाएंगे ना बैठ पाएंगे। इसलिए मेरा सारे छोटे भाइयों से अनुरोध है, आप आराम से अपना कहीं भी जहां आपको जगह मिले बारिश से बच के वहां बैठ जाइए। आपको हम अनाउंस करके ढूंढ ढूंढ के सबको बताएंगे कि एंट्री खुल गई है, आप अंदर जाइए, अपना अपना जो भी टोकन है वो लीजिए। और जो भी ऑन डिसाइड होगा, संभवतः दौड़ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि आपको टोकन मिलेगा और अगली डेट आपको बता दी जाएगी। तो जो बच्चे अंदर एंट्री करेंगे वो टोकन पाएंगे, उन्हीं को अगली डेट में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, अब सबसे देख सकते हो दोस्तों HSO सर ने क्या बोला, अपने ध्यान से सुना हो, जिस जो भर्ती कैंसिल हुई उसमें टोकन दिया जा रहा है और उस टोकन के आधार पर ही अगली भर्ती में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों जितने भर्ती कैंसिल होगी उसमें टोकन दिया जाएगा और सभी टोकन लेकर वापस जाएं, ऐसे वापस कोई मत जाए। तो भाई जितने भी हमारे जिले हैं ना, सब के सब जिलों में से जितने भी कैंडिडेट हैं सब भर्ती में आवे और अपना भाई टोकन लेकर जावे। अगर भर्ती कैंसिल हो रही है तो टोकन के आधार पर ही आने वाली जो तुम्हें तारीख दी जाएगी उसमें आपको उसके आधार पर ही एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करते हैं।